नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज जिस माहौल से हम लोग निकल रहे हैं, मैं मानता हूं कि जान है तो जहान है, वरना सब शमशान है। ये चीज तब जाहिर होती है कि जब हम एक बहुत बड़ी मुसीबत को सामने से देख रहे होते हैं। मुझे ध्यान आता है कि एक राजा था जिसको अपने साम्राज्य के ऊपर उसको बहुत गुमान था, उसको बहुत अभिमान था। उसकी परीक्षा लेने के लिए एक बार एक वहाँ पे साधु आए और साधु ने क्या बात रखी उनके सामने, ये आप बताएं। तो साधु ने उनको पूछा कि राजा, तुम्हारा जो ये राज्य है इसकी क्या कीमत होगी? तो राजा ने बोला कि महाराज, राज्य तो बहुमूल्य है, मेरे पास इतने सैकड़ों गांव हैं, मेरे भंडार भरे हुए हैं, सोना चांदी बहुत कुछ है हमारे पास, इसकी कीमत कैसे लगाई जा सकती है? तो साधु ने कहा, नहीं, फिर भी कुछ तो अनुमान लगाने की कोशिश करो। लेकिन राजा ने कहा कि नहीं, दिस इज़ इनवैल्यूएबल माई किंगडम, आई कैन नॉट पुट अ वैल्यू टू इट। तब उसने कहा कि जो अगर मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ कि आप कहीं एक मरुस्थल में, डेजर्ट में फंसे हुए हैं, 3-4 दिन से आपको खाना नहीं मिला, आपको रोटी नहीं मिली, पानी नहीं मिला, और आपको लग रहा है कि बस अब आपके प्राण जाने वाले हैं, तो अगर एक कोई व्यक्ति आपको एक गिलास पानी देता है तो उसको आप क्या देंगे? राजा सोच के बोलते हैं कि उसको मैं अपनी आधा साम्राज्य में उसको दे दूंगा। उसके बाद ऋषि ने पूछा कि महाराज, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाए, कोरोना वायरस जैसी, तो आपको अगर कोई दवाई दे दे कि आप ठीक हो जाएं, तो आप उस वैद्य को क्या देंगे? तो राजा ने कहा कि अगर उससे मेरी जान बच सके तो मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूंगा। तो ऋषि ने हंसकर कहा कि इसका मतलब है कि आपके पूरे राज्य की कीमत, इट्स इक्वल टू 1 glass of water एंड सम मेडिसिन, तो आप इतना उस पर घमंड क्यों करते हो? आपके पूरे साम्राज्य की वैल्यू तो बस इतनी सी ही है। हम ऐसे समय से निकल रहे हैं कि लोग अपनी लाइफ को उतना वैल्यू नहीं कर रहे जितना वो अपनी बिलोंगिंग्स की वैल्यू कर रहे हैं, जितना वो सोच रहे हैं कि मेरी कोठी है, कार है, मेरा बिजनेस है, मेरे बच्चे हैं, परिवार है। दोस्तों, वो सब तब है अगर आप में जान है, अगर आप जिंदा हैं तब वो सब कुछ है। इसलिए अपनी जान की वैल्यू रखें और अपनी जान को बचाने के लिए और दूसरों की जान की भी रक्षा करने के लिए आप घर में रहें, आप हेल्दी रहें, उसके बाद सब कुछ आपके पास होगा। लेकिन सबसे पहले आप इस चीज का ध्यान रखें। आप सबका बहुत बहुत आभार। इसी तरीके से हमारी कहानियों को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और हमें कई लोगों के सुझाव मिले हैं, कई लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया, कई लोगों ने पूछा किताबें आपकी कहाँ पर मिलती हैं। ये हमारी फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे हमारी बुक्स जो हैं, दे आर अवेलेबल देयर, यू कैन बाय फ्रॉम दोज स्पॉट्स। आई कैन ओनली सजेस्ट के दोस्तों, अपनी जान की खैरियत रखें और स्टे एट होम, स्टे फिट, और कल फिर एक कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। I just wanted to add, Sanjay, that while I was looking for which story we should do today, I just came across this little message that this lady called Rogini Gounden had sent from South Africa, and I just want to read from what she wrote. I am a primary school teacher, and for the last 2 years I was really battling to discipline the kids I teach. A large number of children come from problem backgrounds where human values are eroding rapidly. When I go into my classroom this year, I want to put up some wonderful sayings on the wall so I can constantly remind the children of their true purpose on this earth. Please send me your stories so that I can integrate them into my themes. So I just wanted to share that these books have helped a lot of people to understand the value of human values, and I hope that you can also look at our stories to learn something from them.